किसी भी कॉल को बिना अनाउंसमेंट के रिकॉर्ड कर पाओगे, फोन को सेक करके बैक साइड में फ्लैश लाइट को आप लोग ऑन कर पाओगे। हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में Vivo T3 Pro का टॉप 40 प्लस अमेजिंग फीचर्स के बारे में बताऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद बहुत आसानी से आपके फोन को इस्तेमाल कर पाओगे। किसी भी कॉल को बिना अनाउंसमेंट के रिकॉर्ड कर पाओगे, यहाँ पे रिकॉर्ड बटन के ऊपर टैप करना दोस्तों, कोई भी अनाउंसमेंट नहीं होगा। अगर आप वीडियो कॉल में ज्यादा बातें करते हो ना, वीडियो कॉल में ब्यूटी मोड को इनेबल कर सकते हो। सेटिंग के अंदर आना है, शॉर्टकट एंड असेंबिलिटी के अंदर आना है, फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल का ऑप्शन दिखाई देगा, इस ऑप्शन को इनेबल करना। इवन मोर ऐप के अंदर आके जो सारे एप्लीकेशन सपोर्ट करता है उसको भी इनेबल कर सकते हो। होम स्क्रीन में डबल टैप करोगे स्क्रीन का लाइट बंद हो जाता है, लॉक स्क्रीन में डबल टैप करने से स्क्रीन का लाइट वाइक अप हो जाता है। इस फीचर्स को इनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर शॉर्टकट एंड असेंबिलिटी के अंदर स्मार्ट मोशन के अंदर स्क्रीन ऑन ऑफ का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे डबल टैप टू वाइक और डबल टैप टू टर्न ऑफ, ये दो फीचर्स को इनेबल कर दीजिए। होम स्क्रीन में एक राउंड बॉल आप लोगों को दिखाई देगा, इसके ऊपर टैप करोगे बहुत सारे शॉर्टकट इवन नीचे में बहुत सारे एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। इस फीचर्स को इनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर शॉर्टकट एंड असेंबिलिटी के अंदर इजी टच का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस ऑप्शन को इनेबल कर दीजिए। और कस्टमाइज मेनू के अंदर आके कौन सा एप्लीकेशन ऐड करना चाहते हो वो ऐड कर पाओगे प्लस बटन के ऊपर टैप करके, इवन शॉर्टकट को भी सेम जरिए ऐड या रिमूव कर पाओगे। थ्री फिंगर से स्वाइप डाउन करोगे स्क्रीनशॉट हो जाता है, और लॉन्ग स्क्रीनशॉट के ऊपर टैप करोगे तो आप लोग लॉन्ग स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले पाओगे। स्क्रीनशॉट के जैसा ही यहाँ पे एस कैप्चर का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसके ऊपर टैप करोगे तो एक इंटरफेस खुल के आता है, यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग, लॉन्ग स्क्रीनशॉट, रेक्टेंगुलर स्क्रीनशॉट, फनी स्क्रीनशॉट कुछ भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। मैं फनी स्क्रीनशॉट के ऊपर टैप करके नीचे कोई भी शेप को सिलेक्ट करके एक ड्रॉ करता हूँ, जो भी मैं ड्रॉ करूंगा उतना ही स्क्रीनशॉट ओपन होके आएगा, सेव करूंगा दोस्तों स्क्रीनशॉट हो जाएगा। एमोलेड डिस्प्ले तो दिया है, लेकिन जब भी आप लोग वीडियो वगैरह देखते हो आप लोगों को लगता है डिस्प्ले और भी कलरफुल होना चाहिए, उसका भी सॉल्यूशन है। सेटिंग के अंदर आना है, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर विजुअल इनहेंसमेंट बोल के एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना, डिस्प्ले का कलर और भी इनहेंसमेंट हो जाएगा। और कौन सा एप्लीकेशन में सपोर्ट करेगा वो नीचे में आप लोगों को दिखाई देगा। जब भी आप लोग न्यू फोन खरीदते हो इंटरनेट स्पीड मीटर या बैटरी परसेंटेज शो नहीं करता है, उसको इनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर आना है, डिस्प्ले के अंदर आना है और यहाँ पे स्टेटस बार का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे रियल टाइम नेटवर्क स्पीड और बैटरी परसेंटेज को इनेबल कर देना, यहाँ पे बैटरी परसेंटेज शो करेगा। व्हाट्सएप का डिलीटेड मैसेज भी चेक कर पाओगे, सेटिंग के अंदर आना है, नोटिफिकेशन के अंदर आना है, नोटिफिकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल करना। 24 आवर्स के अंदर जो सारे नोटिफिकेशन आएगा हर एक नोटिफिकेशन को यहाँ पे चेक कर पाओगे, इवन दोस्तों व्हाट्सएप का डिलीटेड मैसेज यहाँ पे शो होता है। इस फोन के लॉक स्क्रीन में ना हर एक नोटिफिकेशन शो करता रहता है, प्राइवेसी के लिए बहुत बड़ा इशू है। इसके सोल्यूशन के लिए सेटिंग के अंदर नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पे नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन में आप डोंट शो एनी नोटिफिकेशन करके रखना, लॉक स्क्रीन में कोई भी नोटिफिकेशन या नोटिफिकेशन का आइकन शो नहीं करेगा। कोई भी एप्लीकेशन को डुअल ऐप में कन्वर्ट करने के लिए सेटिंग के अंदर आना है, एप्स के अंदर आना है और यहाँ पे ऐप क्लोन का ऑप्शन दिखाई देगा। जो भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन आपके फोन में इंस्टॉल है वो सारे एप्लीकेशन शो करेगा, इनमें से कोई भी एप्लीकेशन को डुअल ऐप में कन्वर्ट कर सकते हो। कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर अगर आप लोग पासवर्ड लगाना चाहते हो वो भी पॉसिबल है। सेटिंग के अंदर आना है, सिक्योरिटी का ऑप्शन दिखाई देगा, थोड़ा ही नीचे यहाँ पे प्राइवेसी एंड ऐप इंस्क्रिप्शन का ऑप्शन दिखाई देगा, कोई भी पासवर्ड आप लोग डाल दीजिए। ऐप इंस्क्रिप्शन के ऊपर टैप करोगे, जो भी एप्लीकेशन को लॉक करना चाहते हो सिलेक्ट कर लेना दोस्तों, एप्लीकेशन यहाँ पे लॉक हो जाएगा। जब भी मैं अमेजोन ओपन करने जाऊंगा मुझसे पासवर्ड पूछेगा। इतना ही नहीं, ऐप लॉक के जैसा ही कोई भी एप्लीकेशन को हाइड भी कर सकते हो। उसके लिए दोस्तों फिर से आप लोगों को सेटिंग के अंदर आना है, सिक्योरिटी के अंदर यहाँ पे प्राइवेसी एंड ऐप इंस्क्रिप्शन के अंदर ऐप हाइडिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन को हाइड करना चाहते हो सिलेक्ट करके कंफर्म कर देना, एप्लीकेशन हाइड हो जाएगा। अभी यहाँ पे व्यू हिडन एप्लीकेशन को भी चेक कर सकते हो और यहाँ से ही दोस्तों आप लोग सारे के सारे हिडन एप्लीकेशन को मैनेज कर पाओगे। अगर आपके दोस्त को यूट्यूब देखने के लिए फोन दे रहे हो, बंदा यूट्यूब तो देखता है लेकिन थोड़ा ही दूर जाने के बाद यूट्यूब से बाहर निकाल के गैलरी वगैरह चेक करता है, प्राइवेसी के लिए ये भी थोड़ा सा इशू है। इसके सोल्यूशन के लिए सेटिंग के अंदर आना है, सिक्योरिटी का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके अंदर सबसे नीचे आप लोगों को आ जाना है, ऐप पिनिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना। अभी देखिए जो भी फ्रेंड को कोई भी एप्लीकेशन यूज करने के लिए फोन दे रहे हो, रिसेंट मेनू में आ जाना एप्लीकेशन को ओपन करके, और एप्लीकेशन के ऊपर एक एरो का ऑप्शन दिखाई देगा और यहाँ पे आपको पिन का ऑप्शन दिखाई देगा, तो पिन कर दीजिए। एप्लीकेशन पिन हो चुका है, नहीं तो आप लोग बैक जा सकते हो, नहीं तो दोस्तों मेनू बटन में जा सकते हो, इवन नोटिफिकेशन ड्रॉयर को एक्सेस ही नहीं कर पाओगे। इसको डिसेबल करने के लिए बैक और मेनू बटन को एक साथ टैप करके होल्ड करके रखिए, लॉक स्क्रीन आएगा दोस्तों, पासवर्ड डालने के बाद ऑटोमेटिकली आप इससे बाहर जा सकते हो। इस फोन में कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर टाइमर भी लगा सकते हो। सेटिंग के अंदर डिजिटल वेलबींग के अंदर यहाँ पे
आपको दिखाई देगा ऐप लिमिट, जो भी एप्लीकेशन के ऊपर लिमिट लगाना चाहते हो। मैं चाहता हूँ BGMI के ऊपर लिमिट लगा रहे। ऐप टाइमर के ऊपर आके मैं एक टाइम सिलेक्ट कर दूंगा। जो टाइम आप सिलेक्ट करोगे दिन में, उस एप्लीकेशन को उतना ही टाइम तक आप लोग यूज कर पाओगे। उससे ज्यादा अगर यूज करने जाओगे ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन बंद हो जाता है, जब तक आप लोग यहाँ पे ऐप टाइमर को डिलीट नहीं करते हो। अगर आप ऑफिस में हो और उस टाइम कोई भी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है या इरिटेटेड करता है, उसका भी सॉल्यूशन है। सेटिंग के अंदर आना है, डिजिटल वेलबींग के अंदर। यहाँ पे आपको दिखाई देगा फोकस मोड, इसके अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन दिखाई देगा। कोई भी एप्लीकेशन को आप लोग सिलेक्ट करना है और टर्न ऑन कर देना है। जो भी एप्लीकेशन को सिलेक्ट करोगे वो एप्लीकेशन देखिए ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। नहीं तो एप्लीकेशन के अंदर जा सकते हो, नहीं तो एप्लीकेशन से कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगा, जब तक दोस्तों आप लोग यहाँ पे फोकस मोड को डिसेबल नहीं करते हो। हालांकि ये नोटिफिकेशन ड्रायर में भी मिल जाता है शॉर्टकट के हिसाब से। होम स्क्रीन में एक साइड बार मिलता है, यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएगा। तुरंत ओपन करने के लिए एप्लीकेशन बहुत हेल्पफुल है, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये फीचर्स बंद ही रहता है। इसको इनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर शॉर्टकट एंड असेंबिलिटी के अंदर साइड बार का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर दीजिए। अगर आप वॉइस कॉल से किसी से बात कर रहे हो और आप एक शोर शराबा जगह में खड़े हो, तो इस फोन में नॉइस कैंसिलेशन का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, जिसको इनेबल करके दोस्तों आपके कन्वर्सेशन को क्लियर कर सकते हो। उसके लिए सेटिंग के अंदर शॉर्टकट एंड असेंबिलिटी के अंदर वॉइस आइसोलेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे जो सारे एप्लीकेशन सपोर्ट करता है वो सारे एप्लीकेशन यहाँ पे शो करेगा। जब भी कोई भी इनकमिंग कॉल आता है, बैकसाइड में जो फ्लैश लाइट है ना वो ब्लिंक अप करना शुरू करता है। उसको इनेबल करने के लिए शॉर्टकट एंड असेंबिलिटी के अंदर यहाँ पे फ्लैश नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना। इनकमिंग कॉल जब आएगा बैकसाइड में जो फ्लैश लाइट है वो ब्लिंक अप करना शुरू करेगा। बहुत सारे भाई लोग एक हाथों से फोन को ज्यादा इस्तेमाल करता है, तो उनके लिए वन हैंड मोड बहुत हेल्पफुल है। फोन के राइट साइड से कुछ इस तरीके से कीजिए, वन हैंड मोड इनेबल हो जाएगा। एक हाथों से काफी अच्छी तरीके से आप लोग यूज कर पाओगे। कैमरा के अंदर भी बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स देखने को मिलता है। जब भी आप लोग किसी भी पिक्चर वगैरह क्लिक करते हो ना, पिक्चर के नीचे एक बैनर आ जाता है दोस्तों, देखिए कुछ इस तरीके का वाटरमार्क आ जाता है। इसको आप लोग इनेबल कर सकते हो, बस सेटिंग के अंदर आना है, वाटरमार्क के ऊपर टैप करना है और आपके हिसाब से दोस्तों किसी भी वाटरमार्क को सिलेक्ट करना है। अभी कोई भी पिक्चर आप लोग खींचोगे, अलग अलग बहुत सारे स्टाइल दिया है। अभी देखिए कुछ इस तरीके का स्टाइल में आ चुका है, तो अलग अलग स्टाइल के हिसाब से आप लोग वाटरमार्क को सिलेक्ट कर सकते हो। गैलरी से कोई भी पिक्चर को हाइड करने के लिए पिक्चर के अंदर आना है, थ्री डॉट के ऊपर टैप करके हाइड के ऊपर टैप कर देना है। अभी पिक्चर हाइड हो जाएगा। हाइड पिक्चर चेक करने के लिए एल्बम के अंदर सेटिंग के अंदर आना है और यहाँ पे हिडन फोटोज का ऑप्शन दिखाई देगा। जो सारे पिक्चर आपने हाइड किए सारे के सारे पिक्चर यहाँ पे स्टॉक होता है। इस फोन में 80 वाट का चार्जर तो दिया है, लेकिन दोस्तों अगर आप फास्ट चार्जिंग को इनेबल नहीं करोगे जल्दी चार्ज होगा नहीं। उसके लिए सेटिंग के अंदर आप लोगों को आ जाना है, यहाँ पे बैटरी के अंदर आना है, बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे फास्ट चार्जिंग को इनेबल कर दीजिए। देखिए जब आप लोग फास्ट चार्जिंग को इनेबल करोगे फोन थोड़ा सा हीट अप होता है, लेकिन जल्दी चार्ज भी जो होता है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, उसको भी बहुत आसानी से इनेबल कर पाओगे। उसके लिए सेटिंग के अंदर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा रिफ्रेश रेट, यहाँ पे 120 हर्ट्ज को इनेबल कर देना। स्मूथ एक्सपीरियंस आप लोगों को मिलेगा। इस फोन में बहुत सारे डायनामिक इफेक्ट मिलता है। सेटिंग के अंदर डायनामिक इफेक्ट के अंदर आना है, एम्बिएंट लाइट इफेक्ट के अंदर आना है। देखिए यहाँ पे म्यूजिक के लिए भी है, इनकमिंग कॉल के लिए भी है या नोटिफिकेशन के लिए भी है। देखिए जब भी नोटिफिकेशन कॉल या कुछ भी आएगा तो कुछ इस तरीके से दोस्तों साइड से लाइट ब्लिंक अप करना शुरू करेगा। कूल लुक है, अगर आपको अच्छा लगता है जरूर एक बार चेक करना। इवन दोस्तों आप जो फिंगरप्रिंट सेंसर से फोन को अनलॉक करते हो उसका भी बहुत सारे आइकन स्टाइल दिया है। फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन के अंदर आना है। देखिए तरह तरह के यहाँ पे आइकन का ऑप्शन दिया है, आपको जो पसंद है वो खरीद सकते हो। ये था दोस्तों Vivo T3 Pro 5G का टॉप 40 प्लस अमेजिंग फीचर्स। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एक फ्रेश वीडियो में।